मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी पूरे बीएससी थर्ड सेम वालों के लिए बॉटनी की क्लास रहेगी, जिसमें हम जो है 6 यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 यूनिट पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, क्या होता है न्यूमेरिकल, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जिसमें सम संख्या आ रहा है। न्यूमेरिकल मतलब संख्या, संख्या जिसमें आ रहा है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी तो आपने पढ़ा है वर्ग की, है ना। लास्ट जो आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई थी वो टैक्सोनॉमी से ही स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने पढ़ा। अब आपने फर्स्ट में पढ़ लिया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता था, जिसमें हम समान जीवों के लक्षणों के आधार पर उनका क्या करते थे, वर्गीकरण करते थे या फिर क्लासिफिकेशन करते थे, उसी को हमने टैक्सोनॉमी कहा था। अब इसमें है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो संख्या के आधार पर आपका जो वर्गीकरण होगा, ठीक है, संख्याओं के आधार पर, किस चीज की कितनी संख्या है, क्वांटिटी है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो कहलाएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसका जो अध्ययन है वो सबसे पहले जो है वो स्मिथ तथा सोपर ने किया था। समान लक्ष्यों के होने पर दोनों जीवों की फंक्शनल का समानता
आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा।